वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा की आशंका के मद्देनजर आज दिल्ली से लेकर यूपी तक अलर्ट, कड़े किए गए सुरक्षा बंदोबस्त। जुम्मे की नमाज से पहले योगी सरकार की सख्ती, गाजियाबाद समेत यूपी के 14 जिलों में इंटरनेट पर बैन। यूपी में प्रदर्शन के दौरान गई 19 लोगों की जान, 288 पुलिसकर्मी जख्मी, अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में हुए उग्र प्रदर्शन के लिए एसआईटी का गठन किया। एसपी क्राइम, सीओ क्राइम और सीओ हजरतगंज को नोडल ऑफिसर बनाया गया। दिल्ली में यूपी भवन के बाहर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज बड़ा प्रदर्शन, जामिया के छात्रों के साथ कई संगठन होंगे शामिल। यूपी में सीएए को लेकर भड़की हिंसा में अब तक 498 उपद्रवियों की पहचान, प्रशासन ने वसूली के लिए भेजा नोटिस। सबसे ज्यादा मेरठ में पहचान में आए उपद्रवी, 148 उपद्रवियों की पहचान के बाद भेजा गया वसूली का नोटिस। यूपी की राजधानी लखनऊ में 82 उपद्रवियों की हुई पहचान, कानपुर में 50 उपद्रवियों का वसूली का नोटिस सुपुर्द। रामपुर में 79 और मुजफ्फरनगर में 73 उपद्रवियों की हुई पहचान। संभल में 26, फिरोजाबाद में 13, मऊ में 8 और बुलंदशहर में 19 उपद्रवियों की हुई पहचान। सीएए के खिलाफ यूपी में भड़की हिंसा के बाद उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस ने की कड़ी मशक्कत, चौकी इंचार्ज को केला तक बेचने की आई नौबत। फिरोजाबाद में हिंसा करने वाले उपद्रवियों की आगरा में छिपे होने की मिली थी खबर, चौकी इंचार्ज सुनील तोमर ने पकड़ने के लिए ठेले वाले का वेश लिया। चौकी इंचार्ज सुनील तोमर अपनी मुझे हटवाकर पूरी तरह ठेले वाले के वेश में रम गए। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट में ओडिशा के कांग्रेस नेता प्रदीप मांझी के बयान पर उठाए सवाल। मालवीय के मुताबिक प्रदीप ने कहा था, आग लगाने के लिए पेट्रोल तैयार रखो। अमित मालवीय ने प्रदीप मांझी के बयान का हवाला देते हुए हिंसा को लेकर सोनिया गांधी की खामोशी पर उठाए सवाल, कहा इसलिए सोनिया ने अब तक नहीं की शांति की अपील। नागरिकता कानून के समर्थन में आज उतरेगी मोदी के मंत्रियों की फौज, अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस। देश के अलग अलग शहरों में 15 दिन तक चलेगा अभियान, 3 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य। मुंबई में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आज सड़क पर उतरेंगे लोग, आजाद मैदान में इंकलाब मोर्चा का आयोजन। यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल शुक्रवार को बिजनौर पहुंचे, हिंसा में गोली लगने से घायल हुए उमराज सैनी के परिजनों से मुलाकात। बिजनौर की हिंसा में 2 मुस्लिम युवकों की भी जान गई, कपिल देव अग्रवाल ने उपद्रवी बताकर घरवालों से मिलने से किया इनकार। इमरान खान का बेतुका बयान, कहा आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारत पीओके में ले सकता है कोई एक्शन। सिद्धू की पाकिस्तान यात्रा पर विवाद, आरटीआई से खुलासा, इमरान के शपथ समारोह में शामिल होने को बताया निजी यात्रा लेकिन सरकार से लिया पूरा पैसा। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने एक शो में किया था खुलासा, कनेरिया के हिंदू होने की वजह से टीम में उसके साथ होता था भेदभाव। दानिश कनेरिया ने शोएब अख्तर के खुलासे का किया समर्थन, कहा हिंदू होने के नाते मेरे साथ होता था भेदभाव। कारगिल युद्ध का हीरो रहा मिग 27 फाइटर एयरक्राफ्ट का आज आखिरी बार दिखेगा दम, जोधपुर एयरबेस से भरेगा आखिरी उड़ान। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे, रायपुर आदिवासी नृत्य महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 200 यूनिट तक बिजली के तोहफे के बाद अब कांग्रेस का बड़ा वादा, कांग्रेस ने सरकार आने पर 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का किया ऐलान। कजाकिस्तान में बड़ा विमान हादसा, यात्री विमान हुआ क्रैश, विमान में सवार थे 100 यात्री एयरपोर्ट से उड़ान भरने के फौरन बाद 2 मंजिला इमारत से टकराया विमान। कजाकिस्तान के अल्माटी एयरपोर्ट पर हुआ हादसा, 9 लोगों की मौत, 9 यात्री घायल। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन, सुबह 5:30 बजे 4.2 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। लगातार लुढ़कती ठंड के पारे से कांपी दिल्ली, 1901 के बाद दूसरी बार दिसंबर में सबसे ज्यादा ठंड। श्रीनगर में -5.5 डिग्री का टॉर्चर, पाइपलाइन में जमा पानी, पेयजल का संकट। कड़ाके की ठंड से ठिठुरा उत्तर भारत, वाराणसी में कोहरे ने भी बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। पंजाब से लेकर हरियाणा तक सर्दी का सितम, चंडीगढ़ में 6 पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। ठंड को देखते हुए अगले 2 दिन तक बंद रहेंगे गाजियाबाद के सभी स्कूल, हालात को देखते हुए आगे फैसला लेगा प्रशासन। यूपी के चंदौली में भी स्कूलों पर लगा ताला, 4 जनवरी तक 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों में छुट्टी।
पंजाब के फरीदकोट में गुरुवार को रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन, स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भीषण ठंड का कहर, -3 डिग्री पहुंचा तापमान, खेतों में जमी बर्फ। लुधियाना में ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, सुबह के समय कम हुई विजिबिलिटी। नोएडा के बाजितपुर गांव में अलाव सेकते वक्त पेट्रोल से भरी कैन में भड़के शोले, दो दुकानों को चपेट में लिया। यूपी के रामपुर में कपड़ों की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के शकरपुर इलाके में चलती होंडा सिटी कार में लगी आग, कार सवार महिला ने कूद कर बचाई जान। डोडा के मेन बाजार में दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान। गुवाहाटी के एक रेस्टोरेंट में भड़के आग के शोले, पूरी बिल्डिंग जलकर हुई खाक। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का 54वां जन्मदिन आज, मीडिया के सामने काटा केक। सोहेल के घर सलमान ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे, बर्थडे पार्टी में कैटरीना, सोनाक्षी समेत क्लोज फ्रेंड्स नजर आए। स्विट्जरलैंड में एवलांच की चपेट में आया रेस्टोरेंट, बर्फ में दबे लोग। हांगकांग में जारी है हिंसक प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने मॉल में की तोड़फोड़। चीन के यूनान प्रांत में दिखा कुदरत का खूबसूरत नजारा, आसमान में समंदर की तरह फैले दिखे बादल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।